कराची से बाप के हाथों अगवा दो बच्चियों की बाजियाबी का केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस और JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क दिए कि नई रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट में अल्फाज का हेर फेर करके दोबारा जमा कराई गई है। पेशरफ्त रिपोर्ट में तहकीकात के हवाले से कोई ठोस मवाद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने SSP साउथ कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि पुलिस की दिलचस्पी होती तो 5 साल से मां धक्के ना खा रही होती। आज के दौर में किसी को तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है। 5 साल गुजर गए, एक शख्स कानून से भागा हुआ है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस्तफसार किया कि 5 साल से मुलजिम की माली मदद कौन कर रहा है। SSP साउथ ने बताया कि मुलजिम से राबते में रहने वालों से पूछगछ की है। कराची में एक जगह छापा मारा तो पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई, जबकि JIT सरबरा का ताल्लुक IB से है। अदालत ने IG से JIT के सरबरा और दीगर मेंबरान को तलब करते हुए कहा कि तमाम अफसरान आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक पेश हों। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह ने अदालत से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत तक बच्चियां ट्रेस ना हुई तो IG सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी।